जिला चंबा के उपमंडल सलूनी के राजकीय प्राथमिक पाठशाला छुद्रा में आखिरकार स्थायी अध्यापक मिल गया। सरकार ने स्कूल में एक JBT शिक्षक की तैनाती कर दी है। घेका स्कूल में तैनात शिक्षक राजेश कुमार का छुद्रा के लिए तबादला हो गया है। वीरवार को शिक्षक ने कार्यभार भी संभाल लिया है। इससे अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। विडंबना ये है कि जायज मांगों को लेकर भी जिलावासियों को प्रशासन व सरकार के खिलाफ गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। अभिभावक मार्च 2022 से लगातार शिक्षक की नियुक्ति की मांग उठाते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यही नहीं, पिछले एक हफ्ते से तो बच्चों को स्कूल भेजना भी बंद कर दिया। इसके बावजूद शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई। थक हार कर अभिभावक DC के दरबार पहुंच गए और अपनी बात रखते हुए अचानक DC के सामने भावुक अभिभावकों के आंसू छलक गए। शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। छुद्रा स्कूल में मौजूदा समय में 22 बच्चे अध्ययनरत हैं। वहीं पहले स्कूल में 26 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, लेकिन शिक्षक न होने के कारण कुछ अभिभावकों ने अपने बच्चों को अन्य स्कूलों में दाखिला दे दिया है। वहीं इसके बाद शिक्षा विभाग द्वारा डेपुटेशन पर शिक्षक भेजकर काम चलाया जा रहा था। हर दिन नए नए शिक्षकों को भेजा जा रहा था, इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। 18 मई से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया है। स्कूल में शिक्षक की नियुक्ति से अभिभावक बेहद खुश है। पहले तो मैं अपनी पूरी SMC की तरफ से, समस्त गाँव वासियों की तरफ से, प्रिंटेड मीडिया एवं प्रेस मीडिया का कोटि-कोटि धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारी आवाज़ को प्रमुखता के साथ प्रशासन और शासन के समक्ष रखा। साथ ही मैं प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश सरकार का कोटि-कोटि धन्यवाद करता हूँ। उनके साथ साथ उनके स्थानीय नेता का भी धन्यवाद करता हूँ, जिनकी वजह से ये कार्य संभव हुआ है। इसके साथ साथ मैं अपनी ग्राम पंचायत ठाकरी मट्टी के प्रधान, उप प्रधान और उनकी समस्त कार्यकारिणी का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारे साथ पूर्ण सहयोग दिया। उसके साथ साथ मैं उन सभी समाज सेवियों का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस कार्य में मेरा सहयोग किया। इसके साथ साथ मैं उनका भी कोटि-कोटि धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने पर्दे के पीछे से हमारे इस शिक्षा के मंदिर में तीसरी की नियुक्ति के लिए अप्रत्यक्ष रूप से हमारा साथ दिया है। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आगे भी हमारी जो समस्या है स्कूल की, उनको प्रमुखता के साथ सरकार, प्रदेश की संवेदनशील सरकार सुनेगी। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश के लिए डलहौजी से नितिश शर्मा की रिपोर्ट।